हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि डेल्टा MS300 ड्राइव को करंट इनपुट 0 टू 20 मिलीएम्प्स या 4 टू 20 मिलीएम्प्स इनपुट के थ्रू ड्राइव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं। हम इसकी वायरिंग करना सीखेंगे और प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम ड्राइव की वायरिंग करना सीखेंगे कि एनालॉग इनपुट 4 to 20 या 0 to 10 वोल्ट की वायरिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। जब भी हमें ड्राइव की स्पीड एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट के थ्रू ड्राइव की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है तो वायरिंग से पहले हमें ड्राइव में मोड सेलेक्शन करना होता है कि हमें ड्राइव की एक्सटर्नल जो इनपुट देंगे हम ड्राइव को करंट इनपुट देंगे कि वोल्टेज इनपुट देंगे। तो सबसे पहले उसका सिलेक्शन करना होता है, उसके बाद हम इसकी वायरिंग करते हैं। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे फर्स्ट तीन स्विच होते हैं, डिप स्विच फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फर्स्ट वाला स्विच है, डिप स्विच है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो 0 to 20 मिली एम्स करंट इनपुट देंगे तो ड्राइव की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। और अगर इसको डिप स्विच को हम राइट साइड मूव कर देंगे तो 0 to 10 वोल्ट देंगे, 0 to 10 वोल्ट देंगे वोल्टेज इनपुट, तो उसके थ्रू ड्राइव की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होगी। अब ये डिप स्विच लेफ्ट साइड में है मतलब करंट इनपुट, अगर ये राइट साइड में मूव कर देंगे तो वोल्टेज इनपुट। अभी हम ड्राइव की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करंट इनपुट के थ्रू करेंगे, इसलिए हमने इसको लेफ्ट साइड में मूव कर दिया है। ड्राइव को हम एनालॉग इनपुट 0 to 20 मिलीएम्स देंगे, उसके थ्रू अभी हम ड्राइव की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। अभी ड्राइव को एनालॉग इनपुट हम इस वाले ड्राइव के थ्रू देंगे। एनालॉग इनपुट का टर्मिनल होता है, जब हम ड्राइव को करंट इनपुट देते हैं तो उसका टर्मिनल है ACI, एनालॉग करंट इनपुट। ये पॉजिटिव है, ACI पॉजिटिव होता है, और इसका जो कॉमन होता है ACM होता है। एनालॉग इनपुट का कॉमन होता है ACM होता है। अगर हम करंट इनपुट देंगे तो ACI में कनेक्ट करेंगे, अगर हम वोल्टेज इनपुट देंगे तो AVI में। AVI मतलब एनालॉग वोल्टेज इनपुट, एनालॉग करंट इनपुट ACI, तभी हम कनेक्शन करेंगे ACI में। तो इसका जो इस वाले ड्राइव का जो पॉजिटिव है उसको हम ACI में कनेक्ट कर देंगे। और ड्राइव का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको हम ACM से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमने जो करंट इनपुट का पॉजिटिव टर्मिनल है ACI से कनेक्ट कर दिया है, और निगेटिव टर्मिनल है उसको हमने ACM से कनेक्ट कर दिया है। ये होगा हमारा कनेक्शन। उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं। ड्राइव की प्रोग्रामिंग के लिए हमने ड्राइव का यूजर मैनुअल यूज़ किया है। सबसे पहले हमें ड्राइव का फ्रिक्वेंसी सोर्स सेलेक्शन करना होता है। पैरामीटर है 00.20, सोर्स ऑफ मास्टर फ्रिक्वेंसी। अभी हम ड्राइव की मास्टर फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट के थ्रू चेंज करना है, तो हमें पैरामीटर 00.20 में यहाँ पे 2 करना होगा। एंटर की को प्रेस करते हैं, पैरामीटर 00 एंटर करते हैं। अप की को यूज़ करके हम पैरामीटर 00.20 में जाते हैं, पैरामीटर 00.20 एंटर करते हैं। यहाँ अभी 7 है, इसको हमें 2 करना है। जैसे हम 2 कर देंगे तो ड्राइव हमारा एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट में सेलेक्ट हो जाएगा। मास्टर सोर्स सिलेक्शन के बाद हम पैरामीटर, हमें पैरामीटर ग्रुप 3 03.00 में जाना है। पैरामीटर ग्रुप आ गया 03, एनालॉग इनपुट आउटपुट पैरामीटर। सबसे पहले पैरामीटर है 03.00, एनालॉग इनपुट सेलेक्शन AVI। अगर हमें ड्राइव को वोल्टेज इनपुट के थ्रू ड्राइव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो पैरामीटर 03.00 में हमें यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी कमांड फर्स्ट 1 सेलेक्ट कर देंगे तो हमें जो ड्राइव है उसकी फ्रीक्वेंसी एनालॉग इनपुट वोल्टेज के थ्रू चेंज होगी। अभी हम जो ड्राइव की स्पीड है एनालॉग करंट के थ्रू चेंज कर रहे हैं, तो पैरामीटर 03.01 में हमें 1 सेलेक्ट करना होगा। फ्रीक्वेंसी कमांड 1। सबसे पहले पैरामीटर 03.00
जीरो, जीरो में जाते हैं, एंटर करते हैं, मोड की को प्रेस करते हैं, पैरामीटर ग्रुप 03, आगे एंटर करते हैं 03.00। यहाँ पे अभी 1 है, इसको हमें 0 करना है क्योंकि अभी हम वोल्टेज इनपुट के थ्रू नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 0 कर देंगे। 0 का मतलब होता है नो फंक्शन, और एंटर कर देंगे। अभी हम जो ड्राइव की स्पीड है एनालॉग इनपुट करंट के थ्रू कर रहे हैं, तो उसका पैरामीटर है 03.01। एंटर करते हैं, इसको हमें 1 करना है। अगर ये 1 नहीं रहेगा तो अप डाउन की का यूज़ करके हमें इसे 1 करना है। 1 का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी कमांड, और इंटर कर देंगे। तो हमारा जो ड्राइव है अभी एनालॉग करंट के लिए सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद पैरामीटर आता है 03.29, ACI टर्मिनल इनपुट सेलेक्शन। अभी हम जो ड्राइव को इनपुट है 0 to 20 mA दे रहे हैं, इसलिए हमें पैरामीटर 03.29 में 2 सेलेक्ट करना होगा। मोड की को प्रेस करते हैं, इंटर करते हैं, पैरामीटर 03.29 में जाना है, 03.29 इंटर करते हैं। यहाँ भी 0 है, इसको हमें 2 करना है। 2 कर देंगे तो 0 to 20 mA के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम ड्राइव को इनपुट 4 to 20 mA देंगे तो इसको 0 करना है। अभी हम 0 to 20 mA दे रहे हैं, इसलिए हमने इसको 2 कर दिया है। उसके बाद मोड की को प्रेस करके प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ जाते हैं। अगर हम ड्राइव को ऑन करते हैं, ड्राइव ऑन हो गया है, और फ्रीक्वेंसी 02 आउटपुट फ्रीक्वेंसी देखते हैं 0.51। इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन कर देते हैं, 0 Hz हो गया, मतलब 0 mA। तो यहाँ पे आउटपुट 0 है। अभी ड्राइव स्टॉप ब्लिंक कर रहा है, मतलब ड्राइव अभी रन कमांड आ रही है, कंटिन्यू ऑन है, पर ड्राइव स्टॉप है क्योंकि अभी एनालॉग इनपुट 0 आ रहा है, इसलिए हमारा जो ड्राइव है अभी ऑफ है। जैसे ही हम एनालॉग इनपुट चेंज करते हैं तो हमारा ड्राइव ऑन हो जाता है, स्टॉप का LED ब्लिंक करना बंद कर देता है। इस तरह से अगर हम ड्राइव को कंटिन्यू ऑन रखें, जैसे ही हमारा एनालॉग सिग्नल 0 हो जाएगा तो हमारा ड्राइव स्टॉप हो जाएगा, जैसे ही एनालॉग इनपुट आएगा तो हमारा ड्राइव ऑन हो जाएगा। इस तरह से ड्राइव एनालॉग इनपुट के थ्रू कंट्रोल होगी, ऑन ऑफ होगी। इस ड्राइव से जैसे 20 mA देंगे, 20 mA मतलब 50 Hz जैसे आ जाएगा ड्राइव का, ये 20 mA जनरेट करेगा तो हमारा ड्राइव आउटपुट 50 Hz आ जाएगा इस तरह से। और जैसे एनालॉग इनपुट ऑफ हो जाएगा तो हमारा ड्राइव ऑफ हो जाएगा, रन कमांड कंटिन्यू बनी रहेगी क्योंकि हमने इसको ऑन करके रखा है। जैसे इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ से रन कमांड ऑफ हो जाएगी। इस तरह एनालॉग इनपुट के थ्रू भी ड्राइव को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा।